चलें, अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, किसकी? शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं AS। अब जो आपके AS हैं वो दो पार्ट में एप्लीकेबल हैं फिलहाल आज की डेट में। क्वालिफाइंग कंपनी जो है अदर्स, यानी कंपनियों का एक सेक्टर, उनके ऊपर अब एंड AS लगेगा, क्या लगेगा, और बाकियों के ऊपर AS एप्लीकेबल होगा। पक्की बात है? बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टैंडर्ड्स मींस नॉर्म्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? एक गाइडलाइंस बनाई गई हैं। पहले इनको हम गाइडेंस नोट्स कहते थे, लेकिन अब इनको एक कानून का रूप दे दिया गया, ये समझ लो। अब इनको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। हर एक कंपनी के CA को ये जरूर देखना पड़ता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉलोड और नॉट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है या जिन जिन के ऊपर एप्लीकेबल होगा उनको इनको यूज करना ही करना है। यहां ऑप्शंस नहीं है आपके पास। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, NPO है, NGO है, कुछ भी हो, अगर एप्लीकेबिलिटी है आपके ऊपर, देन यू हैव टू फॉलो दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इज इट क्लियर? अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो हिंदुस्तान में ये 1977 से हम लोग की CA इंस्टीट्यूट ICAI इशू कर रही है। कब से? और इसके लिए इन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जिसको हम कहते हैं ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में एक स्टडी ग्रुप होता है, मतलब लोगों का एक पैनल समझ लो होता है जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करते हैं। इज इट क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमारे CA, जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली रिलीज कौन कर रहा है? ICAI विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्लियर है? क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, पर्पस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस मेनली ये है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो पाए। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दे रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो दे रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दे रही है, उनको हम सही तरीके से समझ पाए, उनको हम सही तरीके से समझ पाए, यूनिफॉर्मिटी आए। रीडर्स जो होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, वो कंफ्यूजन में ना जाएं। अब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है एक्रुअल बेसिस पर, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश बेसिस पर। नाउ द रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गेट कंफ्यूज दैट हुज प्रॉफिट इज हायर एंड हुज प्रॉफिट इज लोअर। या ये कह सकते हो कौन कंपनी बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है और कौन कंपनी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दे रही। इसके लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? गाइडलाइन सेट करते हैं जिसके कारण, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया तरह से प्रेजेंट हो सके। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जब रिलीज होता है तो उसमें मेन चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, क्या ऑब्जेक्ट लेकर चल रहा है, स्कोप क्या है, किन किन जगहों पर अप्लाई होगा और किन किन, वही एप्लीकेबिलिटी, मेजरमेंट क्या है,
रिकॉग्निशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा और डिस्क्लोजर कैसे होगा, ये चीजें हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन पांच चीजों के बारे में बताएगा, किन चीजों के बारे में, इन पांच चीजों के बारे में बताएगा। पहला मैंने बताया ऑब्जेक्टिव, दूसरा मैंने बताया एप्लीकेबिलिटी या स्कोप, पहला मैंने बताया ऑब्जेक्टिव, दूसरा मैंने बताया स्कोप या एप्लीकेबिलिटी, थर्ड डेफिनेशंस भी कवर होती हैं इसमें, जो हमारे इस एएस में पर्टिकुलर किसी एएस में अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी ना, उसको डिफाइन भी कर दिया जाएगा। और लास्ट के दो और हैं, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इतनी चीजें बताता है ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतनी चीजें बताता है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कोई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इट विल कवर ऑल दीज फाइव थिंग्स। कौन सी पांच चीजें? पहला बताएगा ऑब्जेक्टिव, कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा बताएगा स्कोप, कहाँ एप्लीकेबल होगा कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा बताएगा डेफिनेशन पार्ट, जो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होंगी उनको डिफाइन किया जाएगा। फोर्थ बताया जाएगा रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। अगर हम बात करें रिकॉग्निशन की, तो रिकॉर्ड करने को हम रिकॉग्निशन कहते हैं, कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है उसको हम कहते हैं मेजरमेंट या हाउ मच, बोलो ना, ये बताता है हमारा मेजरमेंट। रिकॉग्निशन बताता है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, दूसरा मेजरमेंट कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंटेशन वेयर टू शो वेयर टू रिकॉर्ड, कहाँ रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग भी है, पीएल भी है, बैलेंस शीट भी है, किस जगह रिकॉर्ड करना है, वेयर टू रिकॉर्ड, दैट इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन। एंड डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में, नोट्स ऑन अकाउंट्स में जितने भी डिस्क्लोजर्स होते हैं वो सारे हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स में देते हैं, जितने भी डिस्क्लोजर्स होते हैं वो सारे हम नोट्स ऑन अकाउंट्स में देखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन स्टार्ट होगा तो हम लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये कि हमारा कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन पाँच चीज़ों को बताएगा, ऑब्जेक्टिविटी, स्कोप, डेफिनीशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इज इट क्लियर? हमें नहीं लगता हमको इसमें अब कुछ और बताने की जरूरत है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा दो तरह के लोगों पर एप्लीकेबल होता है। कितने तरह के लोगों पर? दो तरह के लोगों पर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉरपोरेट या अदर्स, कॉरपोरेट या अदर्स, या नॉन कॉरपोरेट भी बोल सकते हो, कॉरपोरेट या अदर्स हटाए, कॉरपोरेट और अदर्स। आज तक तुम लोगों ने कई बार SMEs का नाम सुना होगा, SMEs नाम सुना होगा, नहीं सुना है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन आज तुम लोग सुनोगे SMC, क्या सुनोगे? स्मॉल एंड मीडियम कंपनी।
नॉन एंस एमसी। अगर हम एसएमसीज की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज क्या होती हैं बाद में बताएंगे। अगर हम एसएमसीज की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, क्या बोला मैंने, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, फ्यू एएस आर एग्जेम्प्टेड, यानी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जेम्प्टेड हैं पूरी तरह से, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ पैराग्राफ एग्जेम्प्टेड हैं, यानी पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माफ नहीं है, उसका कुछ हिस्सा माफ है। तो दो तरह से एसएमसी जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज होती हैं, जाहिर सी बात है कंपनी छोटी है उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों, उनको हटाओ, उनके में से कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माफ किए गए हैं, ठीक है ना, और कईयों के कई पैराग्राफ हटा दिए गए। आते हैं नॉन एसएमसीज पर, ऑल एएस आर कंपल्सरी, ऑल एएस आर टू बी फॉलोड, सारे के सारे एएस फॉलो करने हैं अगर नॉन एसएमसी है, छोटी कंपनी नहीं है। Is it clear? थोड़ी देर बाद देखते हैं ये SMCs क्या हैं, ये नॉन SMCs क्या हैं। अगर हम नॉन कॉर्पोरेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशंस को, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को तीन पार्ट में बांटा गया है, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री, ऑल एएस आर टू बी फॉलोड। लेवल वन में, लेकिन फ्यू आर एग्जेम्प्टेड, किस केस में, लेवल टू एंड लेवल थ्री में फ्यू आर एग्जेम्प्टेड फुल्ली और पार्टली, फ्यू ऑफ देम आर एग्जेम्प्टेड फुल्ली and the few of them are exempted with some paragraph. Is it clear? अब concept clear है कि हमारे जो accounting standard की applicability होगी पूरी तरह से होगी यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी इन दोनों को कोई माफी नहीं है। हम अभी यहाँ पर Ind AS की कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम इंड एएस के नाम से भी जानते हैं, इसकी हम कोई बात नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। तो अगर हम एंटिटीज की बात करें, एप्लीकेबल ऑफ एएस ऑन व्हाट एंटिटीज, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम किस एंटिटीज की बात कर रहे हैं। दो तरह की, एक एसएमसी, एक कॉर्पोरेट, एक नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में एसएमसीज एंड नॉन एसएमसीज, अदर्स में लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री की बात कर रहे हैं। जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो एसएमसीज जो होती हैं उनमें कुछ माफ हैं और कुछ के पैराग्राफ्स माफ हैं, और बाकी तो हैं ही एप्लीकेबल पूरी तरह से। लेकिन नॉन एसएमसीज के ऊपर 100% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, इन द सेम वे अदर्स। लेवल वन पर सारे के सारे एएस फॉलोड होंगे, लेवल टू और लेवल थ्री टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पर केवल वही एएस फॉलो होंगे जिनको यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम माफ हैं। क्या हैं, माफ है। देखा जाएगा कौन से माफ हैं या कुछ पैराग्राफ माफ हैं। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो अप्लाई होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ, तीन चीजें याद रखना बिना इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, किस फॉर्म में है, आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप हैं, कंपनी हैं, सब पर लगता है, बशर्ते यहां आना चाहिए, सब पर लगता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्टिविटी, कॉमर्शियल हो, ट्रेडिंग हो, irrespective of its activity and
इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अब क्लियर हुआ? इन तीन चीजों को बिल्कुल दिमाग में याद रखना कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट irrespective of whether या irrespective of its, पहला फॉर्म बताया, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरशिप में चल रहा हो, पार्टनरशिप में चल रहा हो, कंपनी हो या कुछ और हो, irrespective of its activity, किस तरह का बिजनेस कर रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, बोलो ना। और इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, या सोशल सर्विस कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एप्लीकेबल होंगे एंटिटीज पर, आपने देख लिया एसएमसीज एंड कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट, कॉरपोरेट में एसएमसीज एंड नॉन एसएमसीज, अदर कॉर्प में आएगा लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। जिन जिन के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी आएगी वहाँ ये हम नहीं देखेंगे कि इनका फॉर्म क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वर्क के लिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल है। आखिर हम सब ये कर क्यों रहे हैं? ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा अप्लाई होता है, सर फिर अप्लाई होने की बात हो रही है, applies to use in financial statement, कहाँ पे कहाँ use करते हैं हम इसको? और normally हम लोग आज तक financial statement बोलते आए थे, लेकिन आज से तुम लोग केवल word financial statement नहीं बोलोगे, आज से तुम लोग इसको बोलोगे general purpose financial statement। क्या नाम दोगे आज से? general purpose फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आई? और इस जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा शामिल होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज तक तुम लोग केवल इतना जानते थे, लेकिन आज से तुम लोग जानोगे कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड लास्टली नोट्स ऑन अकाउंट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम लिया था डिस्क्लोजर वर्ड जहाँ यूज़ किया था मैंने। मैंने कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पांच चीज़ें बताता है, स्कोप, ऑब्जेक्टिविटी, डेफिनीशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर के समय मैंने वर्ड यूज़ किया था नोट्स ऑन अकाउंट्स। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? अभी थोड़ी देर बाद क्लियर होगा कि नोट्स ऑन अकाउंट्स होता क्या है, क्लियर होगा, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बेसिकली उसी के बारे में बार बार बोलेगा। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हमने अभी तक इतना ही जाना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज होता है कॉरपोरेट नॉन कॉरपोरेट सब पर। जिन पर अप्लाइज होता है बिना ये सोचे अप्लाइज होता है, वो किस फॉर्म में है, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग या सोशल वर्क कर रहे हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने ये देखा जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज होते हैं वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है।
ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ यूज़ कर सकें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो उस समय हमारा पर्पज़ यहाँ पर ये नहीं होगा केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, तब हम अब नाम देंगे जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चार चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होती हैं, पहला ट्रेडिंग पीएल, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज योर नोट्स ऑन अकाउंट्स। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोले, क्या बोले? अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोले और कोई एक स्पेसिफिक लॉ है वो कुछ और बोले, यानी लॉ कुछ और बोल रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और, कंट्राडिक्शन है दोनों में, देन व्हाट टू डू, किसको फॉलो करें? अकाउंटिंग नहीं यूज करेंगे, लॉ विल प्रिवेल। इफ नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, if law and accounting standard have controversy then law ya act will prevail over AS। is it clear? पक्का ना? लॉ को हम यूज करेंगे ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तुरंत हमको बताएगा। अब हम जो बताने जा रहे हैं वापस शुरू से, कहां से? शुरू से। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, कॉरपोरेट बोला था ना मैंने, और इस कॉरपोरेट में मैंने दो वर्ड यूज किए थे, एसएमसीज एंड नॉन एसएमसीज। तो अब हम लोग जरा बात कर लें ये एसएमसीज होती क्या है, जरा अब हम लोग बात कर लें ये एसएमसीज क्या होती है। ढंग से सुनोगे, जो एसएमसी नहीं होगा वो नॉन एसएमसी है। एसएमसी यानी छोटी कंपनी, बोल। और छोटी कंपनियों पर मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या कह सकते हो कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे माफ हैं या कुछ पैराग्राफ्स माफ हैं। एसएमसी अ कंपनी हुज इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसके इक्विटी या डेट, कंपनी है जिसके इक्विटी या डेट लिस्टेड नहीं है। क्या नहीं है? लिस्टेड कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। Debt securities are not listed or are not in the process of listed on any stock exchange, whether in India or outside India. कोई भी ऐसी कंपनी जिसके debt, equity या securities listed नहीं है और ना ही listing के process में है, चाहे in India, चाहे outside India, चाहे in India चाहे आउटसाइड इंडिया, विच इज नॉट अ बैंक, विच इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विच इज नॉट अ इंश्योरेंस कंपनी, यानी इसमें शामिल नहीं है बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एसएमसी क्या है? एसएमसी वो है जो या जिसके डेट और सिक्योरिटीज और इक्विटी लिस्टेड नहीं है और ना लिस्टेड होने की प्रोसेस में है, चाहे इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। दूसरा, एक बैंक नहीं है, एसएमसी एक बैंक नहीं होता, एसएमसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होता और एसएमसी एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी। इज इट क्लियर? बोलो। आ रहे
हुज टर्नओवर, तुम लोगों ने शारदा का नाम सुना है? शारदा ग्रुप, वेस्ट बंगाल में घोटाला हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था। पर्ल का नाम सुना है? नहीं सुना है, अपनी सिटी में है तो नहीं सुना, विवादों में आया है वो भी, तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इज इट क्लियर? सहारा ग्रुप, हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज, हुज टर्नओवर, अब किसकी बात आ गई? एसएमसी वो है जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, जिसके डेट और सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है और लिस्टेड होने के प्रोसेस में नहीं है। एसएमसी वो है जो बैंक नहीं है, एसएमसी वो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एसएमसी वो है जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एसएमसी वो नहीं है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं, यानी 50 करोड़ तक का टर्नओवर एसएमसी माना जाएगा। अरे बोलना, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का टर्नओवर अगर किसी कंपनी का है तो वह एसएमसी की कैटेगरी में आएगी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी बोरोइंग 10 करोड़ से अधिक नहीं है वो भी एसएमसी की कैटेगरी में आएगी। नहीं, नहीं, नहीं समझ में आया। एसएमसी वो है जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है या लिस्टेड होने के प्रोसेस में नहीं है। कोई बैंक हमारी एसएमसी नहीं मानी जाएगी, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी एसएमसी नहीं मानी जाएगी। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है तो वो एसएमसी है, अगर लोन 10 करोड़ तक है तो वो एसएमसी है, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो नॉन एसएमसी, अगर लोन 10 करोड़ के ऊपर है तो नॉन एसएमसी। इज इट क्लियर? यानी बोरोइंग 10 करोड़ तक का होना चाहिए। Which is not a holding or subsidiary company of a company which is not an SMC. अगर वो किसी दूसरी SMC की holding या subsidiary company है जो खुद भी SMC नहीं है, means ऊपर की criteria को fulfill नहीं करती। Is it clear? फिलहाल समझ में आया SMC? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, पहला मैंने बताया। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ। हाँ चलो, फोर्थ बताओ तुम। नहीं फोर्थ बताओ, दूसरे को तो बहुत सपोर्ट कर रहे हो। थर्ड था हम लोग का 50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर ना हो, और फोर्थ था हमारा लोन 10 करोड़ तक हो या उससे ज्यादा ना हो। इज इट क्लियर? क्लियर है। ये एसएमसीज है, और SMCs के ऊपर छोड़ देते हैं कौन कौन से, 3, 17, 21, 27, ये एप्लीकेबल नहीं होते, पूरी तरह माफ़ हैं। और कई ऐसे से 15 वगैरह, वो उनका पार्ट ऑफ द सम पैराग्राफ्स आर एग्जेम्प्टेड, तो हम उस डिटेल में नहीं जाने जा रहे। नॉन SMC, जो SMC नहीं है वो नॉन SMC है, और नॉन SMC के ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं नॉन कॉरपोरेट की बात करते हैं। आ रहे हैं ना, अभी आएंगे, खत्म होता जाएगा, टेंशन ना लेना, कुछ डाउट नहीं रहेगा, टेंशन ना लो। अभी जो पूछ रहे हो, जो पूछ रहे हो वो आ रहा है। चले, लेवल 1 नींद आ रही है, लेवल 2 और लेवल पूछ रहे हैं, लेवल 3 AS किस पर अप्लाई होता है, लेवल 1 पर, 2 पर या 3 पर? चलो लेवल 1 पे पूरी तरह अप्लाई होगा, बच्चे ने कहा। इसका मतलब ये थोड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेवल 2 और 3 थोड़े छोटे खिलाड़ी हैं। लेवल 1 की एंटिटीज कौन कौन सी हैं, जरा ढंग से सुनेंगे। नॉन कॉरपोरेट एंटिटी एंटरप्राइजेस विच फॉल्स इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एट एनी टाइम, सेम यही चीज उसके साथ भी था, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर क्लासिफाइड एज लेवल 1 एंटरप्राइज। अब थोड़ा यहां पर कंसंट्रेट हो जाना, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 1 और 2 में नहीं आएगा वो 3 में जाएगा, तो 3 पढ़ने की जरूरत
नहीं है, 1 और 2 पढ़ लेते हैं ढंग से। पहला पॉइंट, यानी ये हमारा लार्ज लेवल कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? एंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, सेम। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैं फिर से बोलता हूं, विच फॉल्स इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर टू बी क्लासिफाइड एज लेवल वन कैटेगरी। जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो लेवल वन की कैटेगरी है। पहला, एंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेट आर लिस्टेड और इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग लिस्टेड इन इंडिया, हाँ या ना? वहां मैंने बोला था लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, और यहां मैं बोल रहा हूं लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मैंने यहां पर स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोला क्योंकि हम कंपनी की बात कर ही नहीं रहे। दूसरा, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब समझ में आया जो तुम पूछ रहे थे, कहां जाएगा वो लेवल? अभी इसके बारे में एक और कहानी सुनोगे, चिंता मत करो। बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हुज टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सीड्स रुपीज, टर्नओवर कितने से ज्यादा हो? 50 करोड़ से। वहां हम ये पढ़ रहे थे SMCs क्या होती है, छोटी क्या होती है, तो वहां पढ़ रहे थे 50 करोड़ तक हो या उससे कम हो या 50 से अधिक ना हो। यहां अब हम पढ़ रहे हैं लेवल वन, यानी बड़ी कंपनी हो तो 50, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर है, जिसका ऑल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग हुज टोटल बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सीड्स लोन 10 करोड़ से अधिक हो। बाकी तो समझ में आ गया, छोड़ दो उसको। कुल यही समझ में आया, सेम वही चीज हमने यहां लेवल वन में भी कॉपी की, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट। पहला, मैंने SMC की अगर बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी वो होती हैं जिसका कोई भी शेयर कहीं लिस्टेड नहीं है और ना लिस्टेड होने की प्रोसेस में है स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया। दूसरा, मैंने बताया SMC वो है जो एक बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। तीसरा, टर्नओवर 50 करोड़ तक है, ना 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 50 करोड़ से अधिक नहीं है, लोन 10 करोड़ से अधिक नहीं है। तो अब ये बताओ, नॉन कॉरपोरेट में लेवल वन बड़ी चिड़िया या बड़ा बिजनेसमैन किसको बोलेंगे? पहला, वो जिसका लिस्टेड होने की प्रोसेस में है, या लिस्टेड होने की प्रोसेस में है या लिस्टेड है। दूसरा, मैंने बताया बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस है। तीसरा, मैंने बताया 50 करोड़ से टर्नओवर अधिक है, लोन 10 करोड़ से अधिक है। आते हैं लेवल टू कैटेगरीज। आ रहे हैं, आने दो ना, आने दो, चले। लेवल टू की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मैंने बोला डाउट नहीं रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखना, नहीं तो कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होगा समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़े हौले हौले चल रहे हैं। पहला, मैंने बताया SMC लेवल वन, दोनों समझ में आ गया, जस्ट अपोजिट है। लेवल टू की बात करते हैं, ये कैटेगरीज जो हैं लेवल टू में आएंगी, ढंग से सुनना। ऑल एंटरप्राइजेस हुज टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक, लेकिन कहां तक? 50 करोड़ तक, क्योंकि 50 से ऊपर तो बेटा कहां चले जाओगे लेवल वन में। तो 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो तुम लेवल टू में हो, ये मत सोचना है ही नहीं, लेवल टू में हो, 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। दूसरा, ऑल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हैविंग बोरोइंग इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, लेकिन कहां तक हो? 10 करोड़। ये मत सोचना 10 करोड़ का लोन नहीं लिया, 9 करोड़ ले लिया तो कहीं नहीं हो, 1 करोड़ के ऊपर है, 10 करोड़ तक अंदर हो तो लेवल टू की कैटेगरी में आते हो। तो देखो ना, एक अच्छी चीज है, 1 करोड़ 1 करोड़ कॉमन मिल गया, ठीक है ना। 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर 50 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक का लोन 10 करोड़ तक, क्लियर है। ये किस कैटेगरी में आएगा? लेवल टू। बाकी छोड़ दो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी मैंने अभी कुछ नहीं बताया किसी भी केस में। अच्छा, लेवल थ्री, जो पहले और दूसरे में ना आए वो लेवल थ्री में आ जाएगा। तो अभी तक तो हमें ये समझ में आया कि
अदर्स की अगर हम बात करेंगे तो लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल, इनके ऊपर ऑल एएस आ फॉलोड, बाकियों में कुछ माफ हैं और कुछ के पैराग्राफ्स माफ हैं। इज इट क्लियर? थोड़ी सी अब हम लोग बात, मैंने कहा मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो केवल और केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बोल रहा हूँ। अब जरा सर थोड़ा हमको ये बता दीजिए तो इंड एएस कहाँ अप्लाइज होता है? डाउट रह जाएगा नहीं तो, इंड एएस कहाँ यूज होता है? सेम इसी तरह की कहानी, ढंग से सुनना। लेकिन यहाँ पर बांटा गया है 500 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ से ऊपर। 1/4/2016 1 अप्रैल 2016 से हो चुका है कंपल्सरली अप्लाइड, मतलब अब कंपल्सरली यूज करना है किनको, जो 500 करोड़ से ऊपर के हों। क्या आते हैं? नेटवर्थ आते हैं, चलें। द फॉलोइंग कंपनी शैल कंप्लाई विद द इंड एएस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016। इज इट क्लियर? यानी 1/4/2016 के बाद अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इंड एएस को ना यूज करें। किनको? जरा देखना, विद द कंपेरेटिव फॉर द पीरियड एंडिंग छोड़ दो अभी फिलहाल कंपनी, नेमली नंबर वन कंपनीज हुज इक्विटी और कंपनीज। हम इंड एएस की बात कर रहे हैं तो केवल वर्ड आ रहा है पहली लाइन में कंपनीज, यानी हम नॉन कॉर्पोरेट की तो बात ही नहीं कर रहे। हियर वी आर कंसिडरिंग ओनली द कंपनीज इन फर्स्ट सेंटेंस। इज इट क्लियर? कंपनीज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बींग लिस्टेड इन एनी रिकोगनाइज स्टॉक इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, नॉट रिकोगनाइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एंड दो शर्तें हैं पहले ही सेंटेंस में, दो शर्तें हैं। पहली शर्त है, पहली शर्त में दो शर्तें एंड के साथ जुड़ गई। पहला, कोई भी कंपनी जिसके इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड है और जिसकी नेटवर्थ कितने से अधिक है, 500 करोड़ से अधिक, यानी दो कंडीशन एक साथ कंप्लीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन लिस्टेड है या लिस्टेड होने की प्रोसेस में है और उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है। दूसरा कंपनीज अदर देन ए अबव एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़ और मोर, लिस्टेड और अनलिस्टेड कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई क्या बोल रहे हो? पहला लाइन मैंने बोला कंपनीज जिनके डेट और इक्विटी और इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं या लिस्टेड होने की प्रोसेस में है और 500 करोड़ से अधिक का नेटवर्थ है। दूसरा कहता है भाड़ में जाओ लिस्टेड हो या नहीं हो, भाड़ में जाओ लिस्टेड हो या नहीं हो, अगर तुम्हारा नेटवर्थ कंपनी, पॉइंट नंबर टू रिलेट्स टू कंपनी, अगर तुम्हारा नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है तो कंपल्सरीली अप्लाइड होगा इंड एएस। लिस्टेड हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अगर इनका कोई होल्डिंग है, ज्वाइंट वेंचर है और एसोसिएट कंपनी है ऊपर वाली कंपनी का, तो उस कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स एंटरप्राइजेस। अब आते हैं, ये तो हो गया 500 करोड़ सर, बस दिमाग में 500 करोड़ रख लें तो ये समझ में आ जाएगा किसी कंपनी की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ऊपर है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, उनको इंड एएस यूज करना पड़ेगा। बात खत्म हो गई। अब इनके होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, ज्वाइंट वेंचर हो और एसोसिएट एंटरप्राइज हो, उनको भी ये इंड एएस अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट अब आते हैं, इन पर 1 अप्रैल 2017 से अप्लाइड होने वाला है, बस आने वाला है 1 अप्रैल 2017 से कंपल्सरली अप्लाइड हो जाएगा इनके ऊपर। अब तक क्या था, 1/4/2016 से स्टार्ट हो चुका है, इन पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन लोगों को अभी भी चूंकि ऑप्शन था, छोटे लोग थे, लेकिन बताओ ना, हम धीरे धीरे चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, ग्रोथ करते हैं ना,
पहले तुम लोग 11th में आए, फिर 12th पे आए, जब 11th की मार खा चुके हो तो अब 12th में 11th की भी मार खाओ और 12th की भी मार खाओ, हाँ या ना? यही तो होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी। एक बार जब 500 करोड़ वालों पर अप्लाई हो गया तो अब थोड़ा स्टेप आगे बढ़ो, अगले साल थोड़े कम वालों को भी पकड़ो, ठीक है ना? कंपनीज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ उसका आधा 250 करोड़, कितना 250 करोड़, यानी 1/4/2017 से अब ये उनके ऊपर भी लगना स्टार्ट हो जाएगा जिनकी नेटवर्क 250 करोड़। दूसरा पॉइंट अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, 250 करोड़ से अधिक का नेटवर्थ हो, ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट 250 करोड़ होगा तो भी अप्लाइड हो जाएगा, 250 करोड़ और मोर। और लास्ट है होल्डिंग सब्सिडियरी ऑफ और ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स, क्लियर है? अब हमें कुछ भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को कि किन किन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होता है। और बहुत बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, फाइनल तक पहुंच जाते हैं बट दे आर इन डाउट्स दैट ऑन व्हाट टाइप ऑफ एंटिटी इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज एंड ऑन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एंटिटी इज डजंट अप्लाई। तो अब तुम लोग को तो ये क्लियर हो गया ना, पहला मैंने बताया अप्लाई होता है कॉरपोरेट नॉन कॉरपोरेट, कॉरपोरेट में SMCs नॉन SMCs, दूसरा बताया नॉन कॉरपोरेट में Level 1, Level 2, Level 3, SMC की डेफिनेशन दे दी। पहला बताया था लिस्टेड होने वाले हैं या लिस्टेड हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, बैंक ना हो, ठीक है ना, लिस्टेड नहीं है। तीसरा मैंने बताया 50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर नहीं है, और चौथा बताया 10 करोड़ से अधिक का लोन नहीं है, और इनके होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट्स आ जाएंगे, क्लियर है? दूसरा मैंने बताया कि जो SMC नहीं होगा वो नॉन SMC होगा, और नॉन SMC के ऊपर सारे AS अप्लाईज होते हैं, यानी बड़ी चिड़िया है। दूसरा मैंने बताया अदर्स में Level 1 आए, Level 1 में जस्ट SMCs का अपोजिट कर दो। पहला मैंने बताया जिसके डेट और इक्विटी लिस्टेड हैं इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज वर्ड नहीं बोला था क्योंकि कंपनी की बात नहीं हो रही। दूसरा मैंने बताया बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो और इंश्योरेंस कंपनी हो। तीसरा मैंने बोला टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो, बोरोइंग 10 करोड़ से अधिक और इनके होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर हो, क्लियर है? अब आते हैं Level 1 हो गया, Level 2 कैटेगरी किसकी थी? Level 2 बोला गया था 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर लेकिन 50 करोड़ तक हो। दूसरा बताया गया था लोन 1 करोड़ से अधिक हो और 10 करोड़ तक हो और इनकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर। अब तो क्लियर है ना? लास्ट मैंने बताया NDAs के बारे में, जो थर्ड कैटेगरी वो होगी Level 3 जो 1 और 2 नहीं है, यानी सबसे छोटे वाले 1 करोड़ से नीचे वाले। तीसरा मैंने बताया NDAs के बारे में, NDAs कहाँ अप्लाइज होता है, तो 1/4/2016 से हो चुका है जो लिस्टेड सिक्योरिटी हों जिनके पास या अप्लाई कर चुके हों और उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है। दूसरा लिस्टेड हो या ना हो 500 करोड़ से अधिक की नेटवर्थ हो, और तीसरा जो इनकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स हो। 1/4/2017 से अप्लाईज हो जाएगा कंपलसरीली हमारा NDAs इन कंपनियों पर जिनका नेटवर्थ 2.5 करोड़ से अधिक है, बस बात खत्म हो गई, 500 की जगह 250 लिख देना, 250, दैट्स इट। इज इट क्लियर? कंप्लीट है, हटा सकते हैं इसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगे तो पूछ लेना, नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, छोड़ दो। कुछ इम्पॉर्टेंट और याद रखने योग्य 2 से 3 पॉइंट, उसके बाद हम AS1 पर आएंगे। क्या हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हो लाने के पीछे लॉजिक ये था कि कई लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा उसमें खिचड़ी बना सकते थे, बिकॉज देर वेर नो एनी स्टैंडर्ड्स एंड दे वे जस्ट फॉलोइंग सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स,
और वो सही होते थे, वो उनके लॉजिक सही थे, उनके फैक्ट सही थे, ठीक। कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था जिससे हर एक आदमी अपनी मनमानी करता था, जिससे वो आइटम्स जिसको हम कहते हैं मैटेरियल आइटम्स वो डिस्क्लोज नहीं हो पाते थे, या जो नहीं डिस्क्लोज करने होते थे उनको डिस्क्लोज कर दिया जाता था। तो कहा गया इस एएस को लाने के पीछे केवल ये तथ्य है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिले हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या मिले? ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट की बात नहीं हो रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम ही है जनरल पर्पस, जिसको सभी लोग कॉमनली यूज कर सकें। तो उस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमको ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके एज वेल, ये केवल अप्लाई होता है मैटेरियल आइटम्स पर, यानी इमैटेरियल आइटम्स पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइटम मैटेरियल है या कौन सा आइटम मैटेरियल नहीं है? मैटेरियल आइटम्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको अगर हम दिखा दें और जिनको अलग से दिखाने पर तुम्हारा डिसीजन, रीडर्स का डिसीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का डिसीजन ना से हाँ में या हाँ से ना में बदल जाए, वो कहलाता है मैटेरियल ट्रांजेक्शन या मैटेरियल आइटम। एंड दोज मैटेरियल आइटम्स मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली, और उन फाइनेंशियल और उन मैटेरियल आइटम्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से शो करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर और रीडर उनको दिखा सके। बट इफ द आइटम इज नॉट मैटेरियल वन, देन इट कैन बी कंबाइंड विद द मैटेरियल एक्सपेंसेज और सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंसेज और मिसलेनियस इनकम, तब आप उसको मिसलेनियस इनकम या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या कोई और कैटेगरी लेकर आप कंबाइंड किसी दूसरे खर्चे के साथ कर सकते हैं। बट इफ द आइटम इज मैटेरियल वन, देन यू हैव टू शो ऑल दोज इंपॉर्टेंट और मैटेरियल आइटम्स इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली, यू हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली। इज इट क्लियर? तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैटेरियल इंपैक्ट छोड़ता है कोई आइटम तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पीछे लॉजिक भी यही है कि केवल मैटेरियल आइटम्स के ऊपर अप्लाई होता है, इम मैटेरियल आइटम्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। एक बार अगर आपने इंड एएस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया अपनी मनमर्जी से, क्या बोला मैंने? एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया फॉलो करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से, तो बेटा अब आप इंड एएस, अब आप चाह करके भी भले ही आप उस कैटेगरी में नहीं आते थे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? वंस इंड एएस आर अप्लाइड वॉलंटरीली, एक बार अगर आपने इंड एएस अपनी इच्छा से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इट शैल बी इरिवोकेबल एंड सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अनदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फलाना एंड ढिमाका। ना 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 ना, अब आपको इसी इंड एएस के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? यानी अगर चाहे कंपनी कोई चाहे तो लेवल वन की कैटेगरी में हो या किसी भी कैटेगरी में आए, अगर उसके ऊपर इंड एएस अप्लाई होता है तब तो यूज करेगी, अगर इंड एएस अप्लाई नहीं होता था और उसने इंड एएस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो पीछे नहीं जा सकती। पीछे वंस अ कंपनी स्टार्ट फॉलोइंग द इंड एएस ईदर वॉलंटरीली और मैंडेटरीली, अब कंपल्सरीली था हमारे ऊपर यूज करना तो हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगले साल ना हमारा कैटेगरी चेंज हो गया, तो बेटा अब चाह करके भी तुम पीछे, जब मर्जी थी तब तो नहीं जा पाए वापस, अब जब एक बार मैंडेटरीली अप्लाइड हो गया तो अब भले ही आप उस कैटेगरी में ना आते हो, इट विल बी फॉलोड बाय यू। वंस अ कंपनी स्टार्ट फॉलोइंग द इंड एएस ईदर वॉलंटरीली और मैंडेटरीली, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द इंड एएस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ एनीवन और एनी ऑफ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द रूल डजंट फॉलोड और अप्लाई। इज इट क्लियर? अब मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ ढंग से सुनना, जो तुम पूछ रहे थे हम उसी पर आ रहे हैं। तो क्या पूछ रहा था ये? बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लास्ट एक एग्जेम्पशन, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंड एएस अप्लाई नहीं होते,
वो लेवल वन की कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर एएस ही अप्लाई होते हैं। मैं फिर से बोलूं तो तुम लोग का अब ये चीज़ दिमाग से निकल गया, जो तुम लोग बार बार बोल रहे हो, बीच में एक दो बार बच्चों ने टुबकी मारी थी कि डुबकी मारी थी, ढंग से सुनना। ये तीसरी कैटेगरी है इंड एएस। मैंने कहा था लास्ट तक ये चीज़ समझ में। हमने एक बात बताना, कसम से सच सच बताना, क्या इसमें बैंक आते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनीज? कहाँ आते थे? अब क्लियर है? और जब यहां आएंगे तो पक्की बात है वो कॉरपोरेट नहीं है, कंपनी नहीं है, और इंड एयर अप्लाई होता है केवल। तो अब तुम लोग का सॉल्यूशन यहां मिल गया होगा कि क्यों अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कंपनी नहीं माने जाते, लेवल वन में माने जाते हैं, और जब कंपनी नहीं माने जाते तो इंड एयर भी अप्लाई होने का कोई यूज नहीं है। इज इट क्लियर? कॉमन सेंस वाली बात है। यहां कैटेगरी बनाई गई है ना, ठीक है ना? नोट करें, अगर नोट करना है कुछ तो, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। दैट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है।